नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। गगा थाने की पुलिस ने हत्याकारित करने के आरोप में 20,000 रुपए के इनामी अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि मुखबिरी की सूचना पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान पारस यादव पुत्र मुनेश्वर यादव निवासी ग्राम ढरसी थाना गगा जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जो कि 20,000 रुपए का इनामी था और वांछित चल रहा था। एसपी साउथ ने बताया कि अभियुक्त के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज था, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तारी करने वाले पुलिस टीम में गगा थाना प्रभारी सूरज सिंह, उप निरीक्षक फुलिंदर यादव, हेड कांस्टेबल धर्मेंद्र तिवारी, नंदलाल यादव, कांस्टेबल सोनू यादव, महिला कांस्टेबल रंजना शामिल रही। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, वर्ष 2021 में थाना क्षेत्र गगहा में हत्या की घटना कारित करने वाला अभियुक्त पारस यादव ग्राम धरसी तब से लगातार फरार चल रहा था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर द्वारा इसकी गिरफ्तारी पर 20,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। आज थाना गगहा पुलिस को इस अभियुक्त की गिरफ्तारी में सफलता मिली है। थाना प्रभारी गगहा और उनकी टीम ने इसे गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है, जहां से न्यायिक अभिरक्षा में इसे जेल भेजा गया है। आगे की विवेचनात्मक कार्यवाही अतिशीघ्र पूरा कर ली जाएगी।